लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई खारघर के इस्कॉन मंदिर में आज से श्री श्री राधा मदन मोहन महोत्सव का शुभारंभ हो गया। 18 से 31 अगस्त तक चलने वाले इस महामहोत्सव में स्वामी श्रील प्रभुपाद का 125वीं जयंती उत्सव भी मनाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोत्सव की जानकारी देते हुए इस्कॉन खारघर के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी डॉक्टर सूरदास ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ झूलन यात्रा से जबकि 31 अगस्त को समापन श्रील प्रभुपाद की जयंती उत्सव से होगा। इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर में और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, आइए उन्हीं से सुनाते हैं। हम लोगों का भगवान राधा मदन मोहन जी का झूलन यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो शाम को 7:30 से लेके 9 बजे तक होगा और जो भी भक्त लोग आएंगे उनको थोड़ा एक एक करके दो दो करके हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी उत्कटित भक्त हैं हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान का आशीर्वाद लें और जो भी ये कोविड से उत्पन्न हुआ संताप उनके मन में है उनके कुटुंब में है उसको कम कर सकें। नित्य हम लोगों का भागवत कथा चलेगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से सुंदर लीलाओं के ऊपर कथा होगी। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे श्रोतागण चाहे यूट्यूब से चाहे बाकी मीडियम से इन कथाओं को सुने। जन्माष्टमी 30 तारीख को है और 31 तारीख को हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का 125वां वर्षगांठ है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसको भी हम मना रहे हैं। जी अपना हमारा कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो रिलीज़ करेंगे, मतलब उसमें प्रभुपाद जी का चित्र है और वो लगभग 150 रुपये का कुछ ऐसा है कॉइन है, वो वहाँ पर उद्घाटन होगा, दिल्ली में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया।